दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट स्लीपर मेकिंग बिजनेस के बारे में। हवाई चप्पल बनाने के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताएंगे, जैसे कि कौन कौन सी मशीनरी की ज़रूरत होगी, कौन सा रॉ मटेरियल ख़रीदना होगा, मशीन और रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा और आप इनको कहाँ से ख़रीद सकते हो, बिज़नेस शुरू करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के लास्ट पे हम आपको उन सभी सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जिनसे आप मशीन ख़रीद के अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पे लेके आते हैं नए नए बिजनेस आइडिया आदि की सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों स्लीपर एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई यूज़ करता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस बिज़नेस में कितना स्कोप है और इस बिज़नेस को करके कई लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी कमाने वाले हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल जितने भी जूते चप्पल बनाए जाते हैं उनमें से 15% का ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। 15% का मतलब 2000 मिलियन से भी ज़्यादा जूते चप्पल। दोस्तों चाइना के बाद हमारे इंडिया दूसरा नंबर पे आता है और हम बहुत से देशों को माल सप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और भी देशों में माल सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों आप भी अपने ब्रांड के स्लीपर्स बनाकर बेच सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होगी और कहां कहां से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इंडिया में स्लीपर मेकिंग बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के लिए ROC रजिस्ट्रेशन करानी होगी। ROC का फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दोस्तों अगर आप छोटे लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप OPC या LLP फॉर्मेट पे रजिस्ट्रेशन करें। इसके अलावा दोस्तों आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी के साथ। आपको DIC के पास SSI रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और दोस्तों ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए आपको पॉल्यूशन विभाग से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वो लीगल प्रोसीजर्स है जो आपको करने पड़ेंगे स्लीपर मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्चुअल बिजनेस के बारे में, कि आपको कितना मशीनरी ख़रीदना पड़ेगा और कौन सा रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की, जो आपको रेगुलर बेसिस पे ख़रीदना पड़ेगा स्लीपर्स बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ है रबर शीट्स। दोस्तों स्लीपर का सोल बनाने के लिए इन रबर शीट्स की ज़रूरत पड़ती है। रबर शीट्स के ऊपर डाई रखी जाती है, ऊपर से पंच किया जाता है जिससे ये चप्पल की शेप में कट जाती है। दूसरी चीज़ है स्लीपर शेप्स, स्ट्रैप्स, स्लीपर स्ट्रैप्स। दोस्तों चप्पल बनाने के लिए इन स्ट्रैप्स की भी ज़रूरत पड़ती है और ये बने बनाए दर्जन के हिसाब से मिल जाते हैं। एक मशीन आती है, उसकी मदद से आप बहुत आसानी से इनको चप्पल में लगा सकते हो। तीसरी मशीन है पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत आपको लास्ट पे पड़ेगी, जब आपके स्लीपर बनकर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों पैकेजिंग मटेरियल पर आप अपने हिसाब से खर्चा कर सकते हो। आपका पैकिंग जितना अच्छा होगा उतनी ही आपकी प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिकेगी।
रॉ मटेरियल को आपको रेगुलर बेसिस पर ख़रीदना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि स्लीपर मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी मशीन्स खरीदनी पड़ेगी और कौन सी मशीन क्या काम करेगी। सबसे पहली मशीन है सोल कटिंग मशीन। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल करके आप रबर की शीट को चप्पल की शेप में काट सकते हो। यह मशीन आप अपने बजट के हिसाब से और आपके पास कितनी स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से ख़रीद सकते हो। दूसरी मशीन है सोल ड्रिलिंग मशीन। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल स्लीपर में होल करने के लिए किया जाता है। रबर शीट काटने के बाद जो चप्पल का शेप बनता है उनमें 3 होल किए जाते हैं ताकि उन होल्स में फित्ता लगाया जा सके। तीसरी मशीन है स्ट्रैप इंसर्शन मशीन। दोस्तों, इस मशीन की मदद से आप स्लीपर के होल में आसानी से स्ट्रैप डाल सकते हो, जिसको फित्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मशीन की एक ख़ास बात यह है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। इस मशीन का इस्तेमाल करके मैन्युअली फित्ते डालने होते हैं। ये 3 मशीनें ज़रूरी हैं स्लीपर मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए। इसके अलावा 2 और ऑप्शनल मशीनें होती हैं, वो आप चाहे तो ख़रीद सकते हैं। पहली मशीन है स्लीपर ग्राइंडिंग मशीन। दोस्तों, इस मशीन को इस्तेमाल करके आप स्लीपर को प्रॉपर फिनिशिंग दे सकते हो। जब हम सोल कटिंग मशीन से रबर को काटते हैं तो वो कटे हुए चप्पल शेप में नहीं होते, उसे शेप में लाने के लिए यह मशीन मदद करती है। दूसरी मशीन है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों, अगर आप कटी हुई चप्पल के ऊपर कलर करना चाहते हैं या कोई डिज़ाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लीपर के ऊपर कलर या डिज़ाइन प्रिंट करने से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है और उसकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इन मशीनों को ख़रीद कर आप स्लीपर मेकिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्लीपर मेकिंग डाई। दोस्तों, आप जिस भी साइज़ की स्लीपर बना कर बेचते हैं उस साइज़ की आपको डाई खरीदनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 5 नंबर से 10 नंबर की साइज़ की स्लीपर बेचना चाहते हो तो आपको 6 डाई खरीदनी होगी। दोस्तों, हमें लगता है कि हमने वो सारी जानकारी कवर कर ली है जिसकी हमें स्लीपर बनाने के लिए ज़रूरत होगी। तो चलिए स्लीपर बनाने के लिए का प्रोसेस जान लेते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले सोल कटिंग मशीन और डाई की मदद से रबर शीट को चप्पल की शेप में काटा जाता है और चप्पल में 3 छोटे छोटे होल हो जाते हैं। इसके बाद कटी हुई चप्पल को प्रॉपर शेप देने के लिए स्लीपर ग्राइंडिंग मशीन का प्रॉपर यूज़ किया जाता है, जिससे चप्पल पूरी शेप में आ जाती है और फिर प्रिंटिंग मशीन से इस कटी हुई चप्पल पर प्रिंट किया जाता है या फिर जैसा चाहे डिज़ाइन बनाया जाता है और रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। चप्पल सूखने के बाद सोल ड्रिलिंग मशीन से छोटे छोटे होल्स को बड़ा किया जाता है ताकि उनमें स्ट्रैप्स लगाए जा सकें। उसके बाद स्ट्रैप्स इंसर्टर मशीन से चप्पल में स्ट्रैप्स डाले जाते हैं। इससे स्लीपर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। फाइनली इसको बेचा जा सकता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे स्लीपर बनाना कितना आसान है।
तो दोस्तों अब हम आपको सप्लायर का कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर कर मशीन के कॉस्ट पूछ सकते हैं और इनसे मशीन ले भी सकते हैं। सप्लायर की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप इन्हें नोट कर लीजिए और इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।